उस प्रश्न को जो भी देखेगा उसमें ये कह पाना मुश्किल है कि उसमें उसका सही उत्तर था, आंकड़े पर्याप्त नहीं थे उसके। लेकिन इन्होंने उसका उत्तर मान लिया कि इसमें जो है इस विद्यार्थी का चयन किया जाना चाहिए। समस्या यहाँ पे है कि जो प्रश्न ये कैंसिल किए हैं, जो इसमें से बहुत सारे ऐसे प्रश्न थे जो कैंसिल नहीं होने थे और बहुत सारे ऐसे हैं जो कैंसिल होने थे वो नहीं हुए। पहली समस्या, यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड कांस्टेबल भर्ती के रिटन एग्जाम का रिजल्ट अब कभी भी अनाउंस कर सकती है। इससे पहले भर्ती बोर्ड पर फाइनल आंसर की को लेकर काफी सवाल उठ रहे थे। अभी भी अभ्यर्थी कई सवालों पर बोर्ड के फैसले को लेकर नाखुश है, लेकिन अब 2 दिन बाद इस फाइनल आंसर की को मान्यता दे दी जाएगी। दरअसल 30 अक्टूबर को बोर्ड ने आंसर की पहले अस्थायी रूप से वेबसाइट पर जारी की। इस पर अभ्यर्थियों से आपत्तियां मांगी गई थी, लेकिन कुल आई आपत्तियों पर विशेषज्ञों द्वारा की गई समीक्षा में 70 सवाल ऐसे पाए गए जो गड़बड़ थे। इन सवालों पर बोर्ड ने कहा 70 में से 25 सवाल ऐसे थे जिनका दिया गया ऑप्शन गलत पाया गया। इस पर बोर्ड ने फैसला लिया कि इन्हें निरस्त किया जाएगा और इन सवालों के नंबर दिए जाएंगे। वहीं बचे हुए 45 सवालों में से 29 सवालों के एक से ज्यादा सही ऑप्शन पाए गए। ऐसे में बोर्ड ने यह फैसला लिया है कि अगर किसी अभ्यर्थी ने इन ऑप्शन में से किसी एक को भी चुना होगा तो उसे उसके जवाब का पूरा नंबर मिलेगा। अब बचे हुए 16 सवालों में बोर्ड ने अपना आंसर ऑप्शन ही बदल दिया, यानी उदाहरण के लिए जिस ऑप्शन ए को वो सही मान रहे थे पहले, अब वो गलत है और सही उत्तर दूसरा ऑप्शन है। फाइनल आंसर की के बाद अभ्यर्थियों का कहना है, समस्या यहाँ पे है कि जो प्रश्न ये कैंसिल किए हैं, जो इसमें से बहुत सारे ऐसे प्रश्न थे जो कैंसिल नहीं होने थे और बहुत सारे ऐसे हैं जो कैंसिल होने थे वो नहीं हुए। पहली समस्या, हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। 31 तारीख की पहली शिफ्ट में एक प्रश्न आया था डिसीजन मेकिंग का। उस प्रश्न को जो भी देखेगा उसमें ये कह पाना मुश्किल है कि उसमें उसका सही उत्तर था, आंकड़े पर्याप्त नहीं थे उसके। लेकिन इन्होंने उसका उत्तर मान लिया कि इसमें जो है इस विद्यार्थी का चयन किया जाना चाहिए, जबकि वो चेंज होना था, लेकिन उस पर इन्होंने कोई काम नहीं किया। इन्होंने ये कहा है और ये नियम है किसी भी भर्ती बोर्ड का या किसी भी आयोग का कि अगर प्रश्न अंग्रेजी में सही लिखा है और हिंदी में गलत लिखा है तो अंग्रेजी वाली भाषा का मान्य होगा। हमारी शिफ्ट में मैथ के 2 प्रश्न थे जो हिंदी में गलत थे लेकिन अंग्रेजी में सही लिखे गए थे, उन्होंने उस प्रश्न को कैंसिल कर दिया। अब उस प्रश्न को कैंसिल करने का नुकसान ये है कि जहां हमको 2 नंबर मिलता, 2 × 4 नंबर मिलता, अब लगभग 1.5 मिलेगा, यानी कि 1 नंबर कम हुआ। तो और इसके अलावा और बहुत सारी शिफ्ट में ऐसा हुआ है कि जो प्रश्न अंग्रेजी में सही है और हिंदी में गलत है उसको उन्होंने कैंसिल नहीं किया। तो 2-3 समस्याएं हैं मोटी मोटी। हालांकि अब अभ्यर्थियों की मांग है, हमारी मांग बस इतनी सी है, आप उसकी संशोधित उत्तर की एक बार फिर से जारी कर दीजिए, जो उसमें जो आपत्ति आपको दी गई उसका निराकरण सही ढंग से हो। अगर आप नहीं करेंगे बच्चे कोर्ट जाएंगे, वैकेंसी फंसेगी, कोर्ट कहेगा कि इसका उत्तर चेंज करो, आप चेंज करेंगे, फिर चेंज तो करेंगे ही, ऐसा तो नहीं है। लेकिन ये है कि हर कोई यही चाहता है कि इतने अरसे के बाद इतनी बड़ी भर्ती आई है तो ये कोर्ट ना जाए, सब लोग कोर्ट से बचाने के प्रयास में। हाँ, कि मतलब अगर कोर्ट में कहीं चली गई तो खिंच जाएगी 1-2 साल। एक तो आई ही 4 साल बाद है, जब से हम इलाहाबाद में आए हैं, इलाहाबाद में जब से हम आए तब से यूपी पुलिस की भर्ती आ रही है, आते आते आई कैसे भी। आपको बता दें कि इससे पहले यूपीपीआरपीबी के सदस्य सचिव द्वारा सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा गया, यूपीपीआरपीबी द्वारा आरक्षी भर्ती 2023 की लिखित परीक्षा के परीक्षार्थियों से प्राप्त आपत्तियों का पूर्ण परीक्षण कर तथा विषय विशेषज्ञों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर अंतिम उत्तर कुंजी दिनांक 30 को प्रकाशित की गई है। ये बोर्ड आधिकारिक वेबसाइट uppRPB.gov.in पर दिनांक 9 तक उपलब्ध है, यानी 2 दिन के बाद ये लिंक बंद हो जाएगा। और तो और उन्होंने आगे लिखा कि लिखित परीक्षा के परिणाम के शीघ्र प्रकाशन की दिशा में यूपीपीआरपीबी द्वारा सतत कार्य किया जा रहा है। आशा है कि नवंबर के तृतीय सप्ताह में यूपीपीआरपीबी द्वारा चयन के अगले पराक्रम डीवीपीएसटी हेतु उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशित की जाएगी। इस संबंध में आधिकारिक सूचना बोर्ड की वेबसाइट पर यथा समय दे दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।